प्रदेश के मंत्रालय में आग लग गई है अचानक अज्ञात कारणों से। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा धुआं धुआं उठ रहा है। ये फोर्थ और फाइव सिक्स फ्लोर पर बताया जा रहा है जहां आग लगी है, और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो आ गई हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं किस तरह, मगर अभी आप देख सकते हैं आग इतना तेज़ी से है कि यहां पर फायर ब्रिगेड भले ही पानियों से उसको बुझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन फिलहाल आग अभी नहीं बुझी। और ये भी बताना चाहूँगा जस्ट मंत्रालय के सामने सतपुड़ा भवन था जहाँ पर पिछले साल आग लगी थी, यानी आप देख सकते हैं पूरी तरह से वो जलकर खाक हो चुका था। यही वो सतपुड़ा भवन था जहाँ पर तमाम फाइलें जलकर खाक हो गई थी, लेकिन अब अचानक दिन आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह सुबह के दौरान यहाँ पर अज्ञात कारण से आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, वो सबसे पहले पहुँचा हुआ है एबीपी न्यूज़। और ये मंत्रालय महत्वपूर्ण विभाग होता है, यहाँ पर तमाम जो मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं इसी मंत्रालय की अंदर बैठते हैं और यहीं से ही कैबिनेट की बैठक भी होती है और तमाम जो विभाग के बड़े ऑफिसर होते हैं इसी के अंदर रहते हैं। आप देखते हैं लेकिन किस तरह से भगदड़ मच चुकी है, यहाँ पर तमाम अभी जो कर्मचारी हैं उनको सबको बाहर कर दिया गया है और यहाँ पर आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यानी कि एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ और तमाम जो होमगार्ड के जवान हैं पुलिस पूरा तमाम पुलिस अमला है वो यहाँ पर आ चुका है और आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं धुआं निकल रहा है, आग बुझी नहीं है और लगातार प्रयास कर रहा है आग बुझाने का। एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, ये एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और बल्ला जो मंत्रालय है यहाँ महत्वपूर्ण विभाग तमाम फाइलें इस मंत्रालय के अंदर होती हैं और यहीं से कैबिनेट की बैठक भी होती है और यहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसी मंत्रालय के अंदर बैठते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पहुंचा हुआ। देखिए सबसे पहले तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ पे 5-6 लोग फंसे हुए हैं वो बच जाएं, जनहानि ना हो, शासन से मांगे हमारी। उसके बाद आप देखेंगे लगातार सतपुड़ा में जब आग लगी थी तब इसी भ्रष्ट सरकार ने बोला था कि अब ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, हम सभी मानकों का ध्यान रखेंगे। और आप लगातार देखेंगे आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन इतनी भयानक आग जिसमें आप देखेंगे पूरे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और कितनी फाइलें, कितने लोगों की, मतलब आप सोचिए कितनी बातें होती हैं कि क्या होता होगा। आज ये साबित हो गया कि मध्य प्रदेश में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है, लगातार जो 20 साल से चल रही थी और उसके बाद अब जो 3 महीने से चल रही थी वो भी हर चुनाव के पहले यहाँ पर आग लगती है। सतपुड़ा में भी आग लगी थी चुनावों के पहले और अभी आपने फिर देखा कि फिर से आग लगी है। तो ये बता रहा है कि ये मध्य प्रदेश जो है एक भ्रष्टतम एक सरकार यहाँ पे चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सतपुड़ा में और लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल देखिए आप ये देख रही है जनता देख रही है खुली आंखों से कि ना ये सरकार युवाओं को रोजगार दे पा रही है, ना किसानों को एमएसपी दे पा रही है, ना महंगाई कम कर पा रही है, लेकिन फाइलें लगातार जल रही हैं। इसमें क्या है, ऐसा इतनी बड़ी नई बिल्डिंग में कैसे आग लग सकती है, लोगों की जान की चिंता नहीं है इस सरकार को। देखिए इसमें जांच होनी चाहिए, जांच एजेंसियां होनी चाहिए, सत्यता से जो लोग जांच कर सकते हैं, जो सत्य सच के साथ चलें वो लोग जांच करें, तो इसमें बिल्कुल देखा जाएगा कि कितनी बड़ी कितना बड़ा घोटाला है इसमें, कुछ ना कुछ घोटाला इसमें छुपाया जा रहा है। मंत्रालय की आग भले ही ना बुझी हो लगातार प्रयास भी किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन अब सेना भी यहाँ पर आ गई, भारतीय सेना आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना की दमकल होती है अंदर भी हो लगातार ये सेना के जवान आ चुके। मैं कैमरामैन होमेन देशमुख से कहूँगा दिखाएं किस तरह से, ये देखिए ये जो भारतीय सेना उनके जवान है जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं सेना के पास वो लेकर आए हुए तमाम, ये देखिए फायर ब्रिगेड के जो टैंक है वो जा रहा है और ये देखिए किस तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो आग लग गई है उसको बुझाने के लिए अब सेना के जवानों को यहाँ बुला लिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है कि सेना के जवान अब मंत्रालय आ गए हैं और आग बुझाने का प्रयास, अब सेना से भी मदद मांगी है जिला प्रशासन ने और आप देख सकते हैं किस तरह से मंत्रालय में आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों ओर आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो ये देखिए सेना के जवान और आ गए हैं, यानी कि जो सेना के पूरा जो बल होता है किस तरह से आग बुझाई जाती है, जो यंत्र होते हैं वो उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए बलवा है और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो अपने मिलिट्री मतलब जो सेना के दस्ताने होते हैं वो लेकर जा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ सबसे पहले दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से जवान है जो सेना के
तो पूरे आ चुके हैं मंत्रालय में आग बुझाने में सेना के। सर आप भोपाल से आए सर? हाँ सर, हाँ सर, अभी अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते सर प्लीज। आप देख सकते हैं तमाम ये सेना के जवान हैं जो मंत्रालय में आग लगी उसको बुझाने का प्रयास के लिए आए हुए हैं। अब मंत्रालय में लगातार जो आग भड़कती जा रही है उसको बुझाने के लिए अब सेना की मदद सरकार ने मांगी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।